स्विच ऑन दिस लाइट दिस फ्रंट वन तो हेलो एवरी वन वी आर लाइव नाउ स्वागत है आप सभी का इस लाइव uh, सेशन में गुड इवनिंग एवरीवन दिनेश मकवान चालू किया बेटा यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो चैट है चैट में आप लोग जो है आंसर देने वाले हैं लाइव एम प्रैक्टिस हो रही है ओके अभी जैसे कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर मेरा जो है वन शॉट लेक्चर था डिफ्रेंशिएशन वो आपने देखा ही होगा और उसके बाद अब ये डिफ्रेंशिएशन के बेसिस पर जो एम प्रैक्टिस होने वाली है डिफ्रेंशिएशन जो चैप्टर है उसका जो पूरा सिनॉप्सिस हम बोल सकते हैं समरी बोल सकते हैं शॉर्ट में मैंने एक घंटे के अंदर बताने की कोशिश की कि पूरे चैप्टर के अंदर है क्या और जैसे कि आप जानते हो अभी जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है उसके अंदर जो अलग अलग टाइप के फंक्शन डिफरेंशिएट करना था अलग अलग एक्सरसाइज के अंदर तो उसी टाइप के हिसाब से हम लोग अभी क्वेश्चन लेने वाले हैं ओके okay, जैसे कि कंपोजिट फंक्शन है इनवर्स फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उस तरह से हम लोग लेंगे और हर एक टाइप के फंक्शन के ऊपर वेराइटी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे डिफिकल्टी लेवल ऐसे रखेंगे कि पहले मीडियम लेवल क्वेश्चन लेंगे फिर हाइयर लेवल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरह से हम लोग करने वाले हैं सो so, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्ट हो, हो चुके हैं जैसे कि आप जानते हो मैं आता हूँ मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे बजे के आसपास मेरे लाइव लेक्चर चालू होते हैं ओके और टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप नहीं है तो जुड़ जाइए लेक्चर अभी हम शुरू ही कर रहे हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मेरा नाम है दिनेश सर और मैं मैथ्स पढ़ाता हूं आप सभी को पूरे महाराष्ट्र के सारे बच्चे जो ट्वेल्थ साइंस में है उनके लिए मैंने ऑलरेडी मैथ्स का पूरा न्यू सिलेबस जो है फिफ्टीन चैप्टर कवर किया हुआ है बोर्ड के लिए और अब एकलव्य बैच के अंदर मैं

टेस्ट सीरीज भी फ्री है लेक्चर्स भी फ्री है चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो आज हम लोग जो डिफरेंशिएशन का लास्ट वन शॉट लेक्चर था उसके आगे जो उसी चैप्टर के जो कंटेंट है उसके बेसिस पर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी आ, मुझे उम्मीद है कि आपने वन शॉट लेक्चर देखा होगा ठीक है अगर आपने नहीं भी देखा होगा तो देख लेना ओके okay. क्योंकि क्या होता है मतलब कि अगर आप डायरेक्ट लाइव ये जो एम की प्रैक्टिस में आते हो तो जब आप आंसर दोगे तो हो सकता है कि आपको फटाफट आंसर देने ना मिले आपको टाइम लग जाए पर एक बार आपका रिवीजन हुआ रहेगा तो अगर पूरा चैप्टर रिवाइज कैसे करोगे इतने सारे लेक्चर्स है बीस बीस लेक्चर है एक एक चैप्टर को तो आप उसके लिए वन शॉट लेक्चर देखोगे तो आपको कंसेप्ट तो समझ जाएगा फॉर्मुल पता चल जाएंगे तो आप कर सकते हो ठीक है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो मंडे को एग्जाम हुआ था वो जो मंडे का एग्जाम था यहाँ पर लॉजिक का टेस्ट लिया था हमने के लिए तो उसका टाइमिंग था सुबह सात से शाम के सात बजे तक और आठ बजे के बाद हम रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं आज भी जो फिजिक्स का एग्जाम हुआ उसका लाइक जो रिजल्ट है आठ बजे के बाद डिक्लेयर हो जाएगा मेरिट लिस्ट पूरी वेबसाइट पर डिस्प्ले होगी और टेलीग्राम ग्रुप पर भी आएगा तो अभी थोड़ा सा हम लोग उसमें अपडेट करें कि जो बच्चे लाइव एग्जाम नहीं दे पाते जिस दिन जो एग्जाम है वो नहीं दे पाते वो एग्जाम क्लोज हो जाती है शाम के सात बजे उसके बाद भी वो एग्जाम हम अवेलेबल करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से सारा हम आपको डेटा बेस देंगे सब कुछ आप कभी भी जब चाहो तब देख सकते हो जो मेरे लाइव लेक्चर चालू है ये अभी आप मेरे साथ लाइव देख रहे हैं तो अच्छी बात है लाइव नहीं भी देख रहे होंगे तो बाद में भी इसको देख सकते जो बच्चे तो ऐसी हम व्यवस्था करने वाले हैं पूरा अच्छे से सारा कंटेंट एक ही जगह पर आपको देने वाले हैं चलो डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करते हैं ओके सारे जो आपके प्रॉब्लम थे उससे रिलेटेड मैंने बात की अभी यहां पर differentiation के लिए जैसे कि आप जानते हो हमारा जो जो चैप्टर है उसके अंदर आ, सबसे पहला जो था बेसिक डेरिवेटिव आपको आना चाहिए सारे फॉर्मूले आने चाहिए ओके बेसिक डेरिवेटिव के बाद बच्चों आपको कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए पहला टॉपिक है दूसरा है इनवर्स फंक्शन के लिए तीसरा है लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए फिर उसके बाद है इम्प्लीसिट फंक्शन और पैरामेट्रिक फंक्शन फिर हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये चीजें याद रखो कि माइंड में हमें पढ़ना कितना है जैसे बच्चों आप खाना खाने के लिए बैठते हो ना तो एक अंदाज पहले लगा लेते हो या तो समझो कि आप कभी शादी में गए किसी के और वहां बुफे सिस्टम है और समझो बड़ी शादी है बहुत ज्यादा काउंटर्स है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सीधे कहीं दाल भात के काउंटर में चले जाएंगे ज्यादा दाल भात खा लिया पूरी भाजी पेट भर गया बाद में पता चला अरे वहां पर तो चाइनीज काउंटर भी था वहां पर नॉनवेज काउंटर भी था वहां पर तो साउथ इंडियन काउंटर भी था तो इसीलिए कभी भी मैं क्या करता हूं मेरी बात बता रहा हूं कि मैं जब भी मैरिज हॉल में जाता हूं तो पहले एक राउंड घूम लेता हूं सिस्टम में कि वहां पर कितने सारे वेराइटीज हैं एक समरी ले लेता हूं फिर हर एक सेशन सेक्शन में जाके वहां पर थोड़ा थोड़ा सभी का स्वाद लेना चाहिए तो इसी तरह से आपको ये जो चीजें हैं उनको हर एक काम में अप्लाई करना चाहिए जैसे कि मैथ्स से हम डिफरेंशिएशन चैप्टर कर रहे हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो पहले देख लो कि पूरा जो बुक है उसमें डिफरेंशिएशन जो चैप्टर उसका वेटेज कितना है और उसके साथ साथ जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव चैप्टर है इसके अंदर कितने सारे कंसेप्ट हमें सीखने हैं और उसके बाद हर एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करो और उसके बेसिस पर हम करेंगे सब हो जाएगा टेंशन नहीं लेना तो यहाँ पर बच्चों ने आंसर देना भी स्टार्ट कर दिया बहुत अच्छा यहाँ पर बी आंसर सभी ने दिया है तो खुशी की बात है कि यहाँ पर बच्चे जो बी आंसर दे रहे हैं ओके okay, तो क्या बी राइट right है और बी क्यू राइट है देखो बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए 11th का का डिफरेंशिएशन अगर आपको आता होगा तो उसकी उसके अंदर ही कंपोजिट फंक्शंस जो है अप्लाई करना चाहिए फटाफट करेंगे हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता रहा था यहाँ पर देखो साइन टू एक्स प्लस थ्री है इसका डेरिवेटिव करना है देखो यहां पर मेरा मकसद आपको सिखाना है सिखाना मतलब ट्रेंड करना सिर्फ इसको सॉल्व करके देना मेरा मकसद नहीं है कि मैं इसको सॉल्व करके दे दूं चीजों को किस तरह से सॉल्व की जाती है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है एक बार आपने सीख लिया कि करना कैसे तो मैं एक सवाल बताऊंगा तो आप चार सवाल खुद से कर लोगे समझ में आए तो यहां पर देखो यहां पर जब भी आपको डी डी एक्स दिखे तो समझ जाना है कि डेरिवेटिव निकालना है देखो डेरिवेटिव निकालने के लिए थोड़ा सा बेसिक से भी बता रहा हूं एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है बच्चों इस तरह से एफ डैश एक्स इस तरह से और वाई का डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स अगर हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते है, तो हैं तो ये बेसिक बातें हैं यहां पर डी बाई डी एक्स दिया मतलब डेरिवेटिव निकालना मतलब करना है उसके बाद जो ये चीजें लिखी है ये हमारा फंक्शन है अब फंक्शन में देखो सबसे पहले फंक्शन है साइन और साइन के बाद एक्स होना चाहिए एक्स के बाद तो 2x 3 है function function है है यानी यानी ये फंक्शन 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 का कंपोजिट जो हमारे ट्वेल्थ का डिफरेंशिएशन है उसका पहला टॉपिक कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन समझ में आ रहा है फंक्शन का फंक्शन तो कैसे करते हैं बेसिकली आपको सब आता है ये सभी बच्चों ने आंसर दे ही दिया है तो यहां पर जैसे कि पहले साइन है इसको इस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि यह साइन एक्स बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि ये बोर्ड का पेपर हम नहीं लिख रहे हैं हम एम एस टी सी डी और जेई मेन्स के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो एबीसीडी में से कोई एक ही आंसर हमें बताना है जो राइट आंसर है तो हमें पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करना है याद रखना जितना शॉर्ट में आप सॉल्व कर सको उतना शॉर्ट में सॉल्व करना है तो साइन साइन एक्स का डेरिवेटिव बेसिकली कॉस एक्स होता है पता ही है आपको तो यहां पर साइन का कॉस होने वाला है समझ में आ रहा है और जो x होता है अगर उसकी जगह पर दूसरा कुछ है जैसे टू एक्स प्लस थ्री है तो उसको वैसे ही रखते हैं फिर क्या करते हैं x टू, टू और प्लस थ्री कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव जीरो। तो ये कहां पर है चेक कर लो टू आना चाहिए और कॉस्ट टू एक्स प्लस थ्री तो देखो टू यहां पर है और कॉस्ट टू एक्स प्लस थ्री सारे बच्चों ने पहले ही बता दिया था ठीक है विपुल ओपी बेटा लेक्चर देखना है तो तो देखो नहीं तो निकल जाओ बेटा पनवेल जाना तो निकल जाओ ना ट्रेन चालू हो गई है बेटा को पनवेल जाना बेटा निकल जाओ यहां से ओके चलो अगला लेते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा मैंने एक कंसेप्ट बता दिया अभी उसी बेसिस पर सब कुछ करेंगे अभी देखो डेरीवेटिव रेस्ट टू एक्स रे...

तुमको पनवेल जाना है निकल लो ट्रेन चालू हो गई है ओके तो देखो बेटा फटाफट आंसर देते जाओ यहाँ पर अथरुआ आबा साहेब साहिल और सब बी बोल रहे हैं ओके विपुल ए बोल रहा है पनवेल बॉय देखते हैं देखो बच्चा यहाँ पर ई रेस्ट टू एक्स का जो डेरिवेटिव ई रेस्ट टू एक्स होता है ये आपको पता ही है बट अगर एक्स के बदले कुछ और आया उसका तो उसका अगेन डेरिवेटिव तो ई रेस्ट टू एक्स क्यूब है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा ई टू एक्स क्यूब ये देखो सभी के अंदर ई रेस्टू एक्स क्यूब है बिना सॉल्व किए भी हम कर सकते हैं क्या देखते हैं ये है बट ये e raise to X cube का होल स्क्वायर है ठीक है अभी देखो ये एक्स क्यूब का अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा समझ में आ रहा है ई रेस्टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव वही आएगा और ये जो एक्स क्यूब है उसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब का थ्री आगे आ गया एक्स स्क्वायर कहां पर है देख लो थ्री एक्स स्क्वायर कहां पर है ये रहा थ्री एक्स स्क्वायर और ये यानी कि आपने जो आंसर बोला वो सही है बी आंसर इज राइट कौन कौन बी बोल रहा है देखो यहां पर फटाफट सी टी एग्जाम कभी होल अरे आदि आधी प्रैक्टिस तरी कर बोर्ड नंतर होविनाश अविनाश जयकुमार ज्ञानेश्वर ओके सृष्टि सृष्टि सॉरी शुभांगी बाबा ए बी सी डी में से ही बोलो पूरा आंसर मत लिखते बैठो हाँ प्रतीक ओके एम टी एम टी डी बोल रहे हैं अब एम टी डी कैसे होगा बेटा बी है बी ओके चलो ऋषिकेश दिनेश मनीषा चलो वेरी नाइस हाँ फटाफट फड़ लेते हैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े से इजी थे कंपोजिट है ये आपको समझना है अब फिर से कंपोजिट है बट लॉग में कंपोजिट है फटाफट आंसर तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए मैंने पूरा चैप्टर ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है ओके बेटा एक ही बार ए बी सी डी इस तरह से लिखना है आप लोग बहुत बार बी लिखते हो तो स्पैम में चला जाता है टीच अबाउट डिप्लोमा अरे डिप्लोमा क्या भाबा एमएसटी सी डी का कर रहे चलो लॉग ऑफ लॉग एक्स ज्यादा चैट मत करो जब आंसर पूछो तभी करो क्या बोलते हैं पब्लिक Log of log X, क्या आएगा ए बी सी डी ये थोड़ा सा ट्रिकी है ध्यान दो क्या बोल रहे आप लोग ट्वेल्थ का न्यूज है क्या कुछ अरे आएगा तो बताऊंगा ना यार तुम लोग यार पढ़ाई छोड़ के सब करते चलो चलो यहां पर क्या बोल रहे हैं ओनकार बोलते ए मृणल बी प्रसें डी निशांत ए लाइट बोलते सी अस्मिता ए अंकुश बी कल्याणी जोशी देखो कल्याणी ने बहुत अच्छा यार हैंड रिटर्न नोट्स लिखा था जो हमने शेयर किया ग्रुप में फॉर्मूले के लिए वेरी नाइस nice है थैंक यू कल्याणी अहमदनगर से है कल्याणी चलो सै शेखर ए अनिकेत माने बी ओके जिसको नहीं पढ़ना निकल जाओ यार डिप्लोमा ट्वेल्थ ये सब बारे में मत बात करो हम लोग एम की प्रैक्टिस कर रहे हैं ये जेई की भी प्रैक्टिस हो रही है बेटा चल तो अभी यहाँ पर क्या है देखो आ, कुछ लोग सी बोल रहे हैं कुछ ए कुछ बी कुछ डी बोल रहे हैं तो यहाँ पर कंफ्यूजन है देखो यहाँ पर एक परफेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है तो कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे हम लोग चलो सॉल्व करके देखते हैं ना लॉग ऑफ लॉग एक्स तो देखो सबसे पहले जनरली जनरलीस का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो x होता है बराबर तो ये 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 क्या करेगा हटाएंगे ये ये तो आ गया फिर ये जो होता है ना ये इसको एक्स के जैसा ट्रीट करो इसको तो ये लॉग एक्स को एक्स के जैसा ट्रीट किया तो लॉग एक्स हो गया फिर ये जो लॉग एक्स है इसका अगेन डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करो तो लॉग एक्स का वापस डेरिवेटिव क्या होगा वन अपॉन एक्स यानी क्या आ गया वन इंटू वन वन अपॉन एक्स लॉग एक्स है क्या आंसर में चेक करो अपॉन तो है ही नहीं एक्स इंटू लॉग एक्स ये एक्स इंटू लॉग एक्स डी बट वन अपॉन में आना चाहिए था तो क्या करें तो आंसर मैच नहीं हो रहा है तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ट्रिकी कि आंसर आप निकाल लोगे बट आंसर मैच नहीं होगा तो कुछ तो जुगाड़ लगाना अभी जुगाड़ क्या लगाएंगे देखो ये वाला आंसर देख रहे हो एक्स लॉग एक्स इसका मतलब क्या है ये अगर ये वन अपॉन हटा दे तो ये हो जाएगा ना एक्स लॉग एक्स इनवर्स समझ रहे हो जैसे कि होता है ना, एक्स। तो, इसको एक्स इन्वर्स लिख सकते ना? तो वैसे तो जो लाइट अभी भी सी बोल रहे धीरू भाई ए बोल रहे अनिकित माने ए गलत है बेटा सी आंसर इज राइट ओके विशाल डी बोल रहे हो रॉन्ग है रॉन्ग है सी हो गया चलो नेक्स्ट करते श्रद्धा बोलती है करेक्ट है राइट सर आवाज नहीं है आवाज नहीं आ रही सर आवाज आ रही है क्या आ आ रही है आ रही है है आवाज आवाज बेटा बेटा चेक किया हमने हम लोग को कब पढ़ाओगे कौन है बेटा किसको पढ़ाना है सारे मैंने डाले हुए कंटेंट देखो बेटा सबको पढ़ा रहा हूँ इलेवेंथ का भी चालू हो जाएगा कर लेना सुरेश बोलता है समझ में आया ओके मैंने भी बोला था विपुल ओपी ओके पनवेल बॉय हो गया पनवेल बॉय <laughs> इजी है बोलता थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है बेटा चलो नेक्स्ट देखते हैं फटाफट आंसर देते जब ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करने वाले ओके okay, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है सिर्फ आंसर निकालना है बिकॉज जो चार ऑप्शन होते हैं ना एबीसीडी वो बिल्कुल सेम होते हैं फटाफट फटाफट देखो फटाफट बोलो फटाफट बोलो रही है आ रही है ना आवाज हाँ आवाज आ रही है दिनेश सर प्रसाद ओके थैंक यू बेटा इजी है सब इजी है डिफरेंशिएशन इज वेरी इजी अभी मैं धीरे धीरे आपको ओके इजी टू मीडियम लेवल टू डिफिकल्ट लेवल टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके जाऊंगा जो ऑलरेडी एम में आते हैं आप बोलोगे यार ये तो सब मैं कर ले रहा हूं समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा ठीक है हर एक में। जल्दी से आंसर बता दो फटाफट यहां पर आदित्य ने ए बोल दिया है श्वेत ने ए बोला है शिवम ए अब आ, एक मिनट औदम्बुर ओके okay, सॉरी ब्रो भी आ गए नाम ही सॉरी रखा चलो देखते हैं ए और बी में से इसका क्या आंसर है और सी डी भी तो हो सकता है कोई सी डी नहीं बोला है डी बोला ना रवि यादव ने डी बोला है मैक्सिमम बच्चे ए बोल रहे हो कि चलो देखते हैं फटाफट -फड़, कि 4x3 मेजॉरिटी होता है कि नहीं देखो ये x रे टू 4 टाइप है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4 x3 समझ में आ रहा है बट फोर इंटू एक्स क्यूब होगा बट एक्स के बदले तो ये पूरा ब्रैकेट है देखो फोर एक्स क्यू माइनस फाइव एक्सर प्लस वन रेस टू फोर तो ये फोर जो है वो आगे आ जाएगा एक्स रेस्ट टू एन फॉर्मूले से और यहाँ पर थ्री हो जाएगा यानी सब में है, देखो क्यूब ये, ये भी क्यूब है तो क्यूब है क्या नहीं यहाँ भी क्यूब नहीं है यहाँ क्यूब नहीं है मतलब ये सी और डी तो आएगा नहीं तो जिसने सी और डी बोला सॉरी फॉर दैट रॉन्ग हो आप लोग तो ए और बी में से आएगा जो मैंने ट्रिक बताया ना कि 50 परसेंट जो रॉन्ग आंसर को पहले एलिमिनेट करना ए और बी में से राइट आंसर है अभी देखो इसका एक्स के जैसे किसको ट्रीट किया इसको ट्रीट किया तो इसको अगेन डेरिवेटिव करो फोर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तो टूवेल्व एक्स स्क् फिर माइनस है माइनस तो माइनस फिर फाइव एक्स स्क्टिव एक्स स्क्न एक्स और वन का डेरिवेटिव जीरो तो नहीं लिखा तो कहां पर है देखो दोनों में से ये है ना माइनस टेन एक्स ये प्लस है इसलिए बी नहीं होगा सो ए आंसर इज राइट एंड मैक्सिमम स्टूडेंट ने बोला बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा टेस्ट जो हुआ था लॉजिक का यार कितने बच्चों ने फिफ्टी में से फिफ्टी लाया

तो सभी लोग एग्जाम दो एक ही दिन दो साथ में चलो पूरा रिकॉर्ड ब्रेक करो और सभी प्रैक्टिस करो जो एक लवे के साथ जुड़ेगा वो आगे जाएगा अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा डरो मत करो फटाफट हो जाएगा चलो अगला देखते हैं अगला देखते हैं बेटा फटाफट बोलो मैं भी टॉप किया ओके कि कौन बोल रहा है वो चलो हाइड्रा गेमर अरे आप लोग अपना नाम सही रखो यार आपके नाम ऐसे लगता है ऐसे लग रहा है कि मैं हाइड्रा गेमर यानी गेमिंग ही है या हाइड्रा है क्या समझ में नहीं आता औरंगाबाद से समीर आए वेरी गुड थोड़ा हलू करा राजेंद्र हलू ओके ठीक है थोड़ा हलू करू यार एंसर दिया गौरी ठीक है बेटा हम सिक्सटी सेकेंड के अंदर ही सॉल्व कर रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड गौरी वेरी गुड है चलो फटाफट फड़ करो आपको टाइम दे रहा हूँ मैं लॉग ऑफ सेक्स एक्स प्लस टेन एक्स फटाफट फड़ करना है हाँ जो अपनी टेस्ट सीरीज चालू है ना उसमें नेक्स्ट मंथ से टाइमर आ जाएगा टाइमर के हिसाब से आपने सम नहीं किया आंसर तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाएगा ऑटो सबमिट हो जाएगा चलो log(x) 10x क्या होगा देखो यहां पर log है तो 1/ आ जाएगा ठीक है आंसर दे रहे क्या आप लोग आंसर दे रहे क्या b b a b a b अच्छा यश बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो थैंक यू ओके वेलकम बेटा आप लोग देखते रहो बहुत मजा आएगा मेरे साथ चलो चलो सब सब लोग बोल रहे हैं b और d बोल रहे हैं ओके चलो देखते कुछ लोग a भी बोल रहे हैं फटाफट देख लेते कैसे करना देखो आप लोग ने भी किया मैं बताता हूं जिन बच्चों को नहीं पता उसके लिए लॉग है तो वन अप वन आ गया फिर इसको एक्स के जैसा ट्रीट करना एज अ एक्स ओके कंपोजिट फंक्शन है ऑलरेडी मैंने सारी चीजें जो चैप्टर में सिखाई थी फिर क्या करना जिसको एक्स के जैसा ट्रीट किया ना उसका वापस डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करना तो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स ओके okay? प्लस और फिर ये जो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स ना एक मिनट टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स गलत लिख दिया मैंने एक मिनट है बेटा इरेजर ले रहा हूं टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्स चलो टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्स अब क्या होगा देखो यहां पर ये जो है ना ये इसमें से कॉमन आ जाएगा क्या कॉमन आएगा सेक एक्स कॉमन तो सेक एक्स अगर कॉमन लेते हैं, तो ऊपर बच गया टेन एक्स देखो इसमें से सेक एक्स कॉमन आया तो टेन एक्स बच गया प्लस सेक्स स्क्वायर में से कॉमन आया तो सेक एक्स बच गया समझ गए और नीचे सेम चीज है देखो सेक एक्स प्लस टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा ना वो इतना लिखने की जरूरत नहीं है सिर्फ अगर माइंड में समझ लिया तो सेकेक्सर आए कहां पर है लेता हूँ सृष्टि अविनाश ओनकार ओके okay, लातूर से ओके जाधव ओके रुपेश डी गलत है बेटा साक्षी बी राइट ओके okay, तेजस बी राइट वैभव राइट अतरवा बी राइट अंजल बी अंजलि अंजल प्रो राइट राइट चलो वेरी गुड कृष्णा गोपाल राइट चलो धीरू भाई भी आए राइट राइट स्टडी मोटिवेशन बोलते हैं आप पाकिस्तान से नहीं बाबा मैं इंडिया से हूँ और तुम अगर एम एस की तैयारी नहीं करो तो निकल जाओ लाइव सेशन से सारे बच्चे भी बोल रहे अशोक शांतनु समीक्षा युनुष वैभव निखिल विशाल ओके okay, चलो वेरी नाइस हाँ अगला क्वेश्चन करते हैं ज्यादा टाइम नहीं देंगे एक एक क्वेश्चन को फटाफट पड़ देख लो ये सारे कंपोजिट फंक्शन है कंपोजिट में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल देखो आगे जाते जा रही है अब ये देख लो जरा ओके okay, फंक्शन के फंक्शन का फंक्शन है अब डेरीवेटिव निकालना है चलो देखो फटाफट करो अगला करो चलो अगला करो फटाफट देखो फंक्शन के फंक्शन का फंक्शन है लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स क्यूब इतनी बार लॉग है तो डर नहीं जाने का डरने का नहीं ओके डोंट फियर दिनेश सर इज हियर एंड मैंने सिखाया है तो आप खुद भी कर लोगे ओके सो डीवाई बाई डी एक्स निकालना मतलब समझो डेरीवेटिव ही निकालना है यहाँ पर डीवाई बाई डी एक्स डेरीवेटिव निकालना है कैसे करेंगे देखते हैं चला आंसर देखो फटाफट फटाफटा रखे बेटा आप लोग एक ही बार लिखो ना वो सब इसमें जा रहा है स्पैम में चला जा रहा है आपका मैसेज डिलीट हो रहा है जैसे बी लिखते है ना एक ही बार बी लिखो ए लिखते एक ही बार लिखो ओके हाँ बोलो जगन्नाथ जगन्नाथ किस चीज के लिए पढ़ा रहे हो राम प्रोडक्शन बेटा एम एस और जेई मेन्स की तैयारी चालू है बेटा चलो यहाँ पर औदम्बर अंकुश ओम क्रिएशन सुफियान अंकुश राहुल बी बोल रहे हैं एल फोर के ए बोल रहे हैं कृष्णा ने डी बोला है ओके तो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी आ रही है मैक्सिमम बच्चे बी बोल रहे हैं तो और कुछ बच्चे डी भी बोल रहे हैं ओके तो हो सकता है बी और डी में से आंसर हो ओके तो चलो देखते हैं बहुत ही ज्यादा बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत अच्छी खुशी की बात है इसी तरह से हर सेशन में जुड़ा मैं आता हूँ मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे शाम को सात बजे लाइव लेकर आता हूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस और एम एस और जेईम मेन की तैयारी करवाता हूँ ठीक है जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए बता रहा हूँ टाइम टेबल टेलीग्राम ग्रुप में चैट में आपको पिन में सारा लिंक मिलेगा वेबसाइट टेलीग्राम का तो यहां पर मैक्सिमम बच्चे बी बी बोल रहे हैं हो सकता है कि बी right हो हो सकता सकता है है कि आंसर राइट नहीं भी हो ओके okay? तो देखते हैं फटाफट फड़ क्या है यहां पर लॉक की वजह से क्या हो जाएगा वन अपॉन डेरिवेटिव ये लॉग की वजह से वन अपॉन हो जाएगा और ये आ जाएगा यहां पर डिनोमिनेटर लॉग ऑफ लॉग एक्स क्यूब ये हो गया ठीक है फिर इसको एज अ एक्स ट्रीट किया था किसको देखो ये इसको एक्स ट्रीट किया था ओके okay? और ये लॉग जो फंक्शन था उसका वन अपॉन किया अब जिसको एक्स ट्रीट किया था उसका वापस डेरिवेटिव लो अब इसको एक्स ट्रीट करो ये जो अंदर वाला है इसको तो ये लॉक का क्या होगा वन अपॉन और ये लॉग एक्स क्यूब आ गया लॉग एक्स क्यूब देखो थोड़ा सा ट्रिकी है अब इसको एक्स कंसिडर किया था इसका वापस से डेरीवेटिव करो देखो अब ये लॉग एक्स क्यूब है ठीक है अगर ये लॉग एक्स क्यूब का डेरीवेटिव करते हो तो क्या आ जाएगा वन अपॉन एक्स क्यूब समझो अगर इस तरह से कर रहे हो तो Log, X cube, ऐसे कर रहे हो तो एक्स क्यूब लॉग का वन अपन हो गया और एक्स क्यूब का क्या हो गया थ्री एक्स okay, इस तरह से समझ रहे हो और एक मिनट एक मिनट एक मिनट थोड़ा सा एक स्टेप और करना था एक मिनट इरेजर ले रहे हैं आ, देखो मिनट हाँ देखो ये लॉग एक्स क्यूब है वन अपॉन एक्स क्यूब हो गया और फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना आपको तो अब देखो क्या होगा ये हो चुका है अब इसको सोल्व करते सिंप्लीफाई करते देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एक्सक्वायर से ये एक्स क्यूब कैंसिल होकर एक एक्स रह जाएगा अच्छा ये जो थ्री है ना ये एक्स क्यूब है ये लॉग एक्स क्यूब है तो ये पावर में है तो ये थ्री को आगे ले लो समझ में आ रहा है तो ये थ्री यहाँ पर आ जाएगा तो एक्चुअल में ऊपर समझो यहाँ पर वन 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 है वन आ गया और ये हो गया लॉग और लॉग एक्स क्यूब इस तरह से और ये जो थ्री है आगे आएगा ना सपोज इस तरह से थ्री लॉग एक्स इस तरह से और यहाँ पर ऑलरेडी एक 3a 3 से 3 कैंसिल हो गया अब देखो आंसर कौन सा रहा आ रहा है तो आ रहा है 1 अपॉन log log समझ में आ रहा है 1 अपॉन ये log x log और log x3 है ना इसमें ही है देखो इसमें ही है नहीं नहीं एक मिनट ये x भी तो रह गया ना ये x भी तो रह गया ये देखो ये x है आप लोगों ने मैक्सिमम b बोला यहां पर मैक्सिमम बच्चों ने बी बोला है यहाँ पर अभी तक बी बोल रहे हैं लेकिन देखो जरा एक मिनट हा यहाँ पर ये यह एक्स भी रह गया है ये आंसर बी जो आप बोल रहे हैं क्या वो राइट है कि नहीं उसको मैच करते चलो देखते यहाँ पर ये यह अपॉन में एक्स है देखो क्योंकि ये एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से कैंसिल किया था तो ये एक्स इधर आ गया वन अपॉन, अपॉन। सम, सपोज ये एक्स पहले लिखते एक्स फिर ये लॉग एक्स को पहले लिखते लॉग एक्स फिर लॉग ये वाला लॉग लॉग एक्स क्यूब आप लोग जो बोल रहे थे ना वो ये बोल रहे थे बी बोल रहे थे बट बी राइट नहीं है बिकॉज यहाँ पर एक्स आना चाहिए ना ये एक्स बचा है हमारा तो यहाँ नहीं है अभी पर है और यहाँ पर है एक्स लॉग एक्स और कहीं पर है नहीं है ए भी नहीं है सो वन अपॉन एक्स लॉग एक्स और लॉग लॉग एक्स क्यूब वन अपॉन एक्स लॉग एक्स और लॉग लॉग एक्स क्यूब यानी कि सी राइट है देखा फंस गए इधर सभी <laughs> <laughs> so, बच्चे बी बोल रहे थे और बी सिमिलर ही था मतलब आप जब डेरिवेटिव निकाल रहे हो मैं भी निकाल रहा था तो मुझे लग रहा था अरे बी है लेकिन ये एक्स पे ध्यान गया अरे एक्स भी तो है तो आप लोग मैक्सिमम बी बोल रहे तो ये एक्स की वजह से वो सी आ गया आंसर समझ में आ रहा है बच्चों तो कभी कभी ऐसा होता है इसलिए ना एकदम घाई नहीं करने का घाई नहीं करना क्योंकि ना जो ये चार ऑप्शन होते हैं ना बेटा ये चारों ऑप्शन वो आपके आंसर को मिलते जुलते होंगे और आप इसको जब शॉर्टकट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा भी हिंट मिला अरे इसमें ये आ रहा है तो आपको लगता अरे होगा, लेकिन उसको पूरा करके देखो हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस है यहाँ पर एक सी चीज सीखने मिली बराबर तो यहाँ पर सी आंसर राइट है समझ गए क्या थ्री कस का फोर थ्री राइल है लॉग क्यूब है लॉक ची प्रॉपर्टी तुला लॉगर इतम मैं लेक्चर टाकन है लॉग चाहिए चैनल वहाँ बे सीरीज टाकनते ची आता लॉग ची प्रॉपर्टी लॉक का हे जे पावर असेल ना त्याला पाठीमागे खेचून घेतो समजलं तुला आता हे थ्री इथे आलं की थ्री लॉग एक्स होणार आणि इथे बघ हे झालं थ्री इथे आलं थ्री हा हे, हे जे थ्री आहे ना हे इथून इथे आलं आणि आपण या थ्रीला थ्रीने कॅन्सल केला समजलं का जिन बच्चो या लाइव लेक्चर चालू आहे मुझे बताना आहे समज आ आर आहे जय मिस्त्री थँक यू बेटा मराठी मधून पूर्ण करा राजेंद्र अरे करतोय ना तू विचार ना बाळा कसं सही हर्षल बोलता है मेरा सही आया शॉर्ट कॉमिक भी सी बोल रहे हैं चलो रश्मि बोल रही है मेरा राइट था ओके बहुत से बच्चे मतलब सी बोल रहे थे बट बहुत ज्यादा बच्चे बी बोल रहे थे ना मिक्स भी था नहीं समझा तो पीछे जाओ ओके विपुल बोल रहे हैं नहीं तो पनवेल जाना पड़ेगा सही बोल रहा है विपुल चलो <laughs> चलो ठीक है ठीक है मजा आ रहा है सीरीज बोलते मजा आ रहा है यस आएगा मजा नहीं समझा तो पीछे जाओ ओके ओके कोई बात नहीं थैंक यू थैंक यू एवरी वन ओके श्रद्धा थैंक यू बेटा चला पूरे दाव्या आगे चलते बेटा चलो यहां पर अगला क्वेश्चन अभी हम ले रहे हैं इनवर्स अभी तक जो मैं बता रहा था वो कंपोजिट था जिसमें क्या था फंक्शन के फंक्शन थे अलग अलग टाइप के जो फंक्शन होते हैं एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुस गया तो क्या करना पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना और दूसरे फंक्शन को एक्स के जैसा ट्रीट करना उसका अगेन डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई कर देना ओके okay? बट अभी हम लोग दूसरा टाइप ले रहे हैं इनवर्स फंक्शन मतलब आपको पता है ना चैप्टर के अंदर पहले कंपोजिट है इनवर्स है लॉगरिथमिक है इम्प्लिसिट है और क्या था वो

तो अभी इसका बेसिकली क्या हो जाएगा देखो टैन इनवर्स है तो वन अपॉन हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस और एक्स स्क्वायर होता है ना बट यहां पर एक्स की जगह पर क्या है चलो आप लोग आंसर आप लोग बता दो क्या क्या है चलो यहाँ पर देखते हैं एलेक्स ने एबीसीडी बोलना बेटा लेवल जरा ग्रेडअप करा अरे पृथ्वीराज तू पंदा आला का आज पहला लेक्चर है डिफरेंशिएशन पूछ लेक्चर पे बस लेवल वाढ़ेल समझला ना टेंशन घेऊ नको ओके सर्व का प्रत्येक मुला से है मी तेजस बी बोल रहे हैं मनोज बी बोल रहे हैं अनुज बी बोल रहे हैं ओके श्वेतांग बी हेत डी ओके मैक्सिमम बच्चे वापस बी बोल रहे हैं पुरुषोत्तम डी हेत डी दिलीप बी अंजलि बी दुर्गेश बी ओके चलो चलो देखते हैं यहाँ पर बी और डी बच्चे बोल रहे हैं देखते हैं क्या होना चाहिए तो यहाँ पर देखो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बट एक्स के बदले रूट एक्स है याद रखना एक्स की जगह पर रूट एक्स है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनवर्स के अंदर कंपोजिट घुस गया है

बी आंसर मैक्सिमम जो बोल रहे हैं बच्चे और कुछ बच्चे मल्टीप्लाई करते जो है ना एक्स के बदले रूट एक्स था उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वन अपॉइंट टू रूट एक्स आता है इसलिए बी आंसर राइट है डी जो बोल रहे है, है। देखो, दोनों एक जैसा आंसर है फिर से कंफ्यूजन है आप लोग को ले लेक्च लाइव लेक्चर की टाइमिंग है सात बजे बेटा मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे एमडब्ल्यू एफ शाम को सात बजे में लाइव आता हूँ कभी सात सात दस सवा सात हो जाता है कभी कभी अगर मुझे लेट हो गया तो लेकिन सात बजे के आसपास में आ जाता हूँ सात से सवा सात के बीच में ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है मजेदार है और अगर आप इस तरह से करते गए तो कोई भी क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन का होगा कर लोगे तरीका तो यही है ना कहाँ से लाएंगे दूसरे प्लेनेट से थोड़ी लाएंगे लाएंगे आपके बुक से ही लाएंगे ना जो कंसेप्ट है उसी में से देंगे ना बहुत सारे मैंने फॉर्मुले दिए थे आप लोग को चल आता पूरे बगू धीरज मन तो मी तो करते सगड़ आशीर्वाद यू वेलकम बेटा चलो चलो चला

चलो देखो यहां पर देखो यहां पर टैन इनवर्स का मतलब पूछ रहे बच्चे होता क्या है देखो यहां पर सपोज मैं यहां पर लेता हूं टैन एक्स को थीटा कंसीडर करता हूं इनवर्स का मतलब पहले बता रहा हूं इनवर्स होता है क्या है बच्चे पूछ रहे हैं तो ये एक्स यहीं पर रखें अगर टैन को उस साइड लेके जाते हैं थीटा के पास तो ये हो जाता है टैन इनवर्स थीटा समझ में आया ये होता है इनवर्स का मतलब जब कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो इनवर्स हो जाता है समझा ना इतना अभी यहां पर मैंने बहुत सारे फॉर्मूले दिए थे क्या फॉर्मूले थे अपॉन 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 वाले वाले क्या फॉर्मूले थे कि अगर इन्वर्स है और है, तो, ये तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव निकालने के पहले इसको कन्वर्ट करके इजी कर दो ना इसको इसको इजी कर दिया इस तरह से नाउ दिस इज वेरी सिंपलर सेक इन क्यूब अब इसका आप क्या करो डेरिवेटिव निकालो अभी सेक इनवर्स का फॉर्मूला क्या था पता है ना सेक देखो सेक और कोसेक दो चीजें होती है सेक का होता है वन अपॉन कोसेक का माइनस वन अपॉन आंसर क्या बोल रहे हैं आप लोग चैताली मनते ए प्रिंस ए आकाश डी पीयूष बी चैताली ए राज आरजे बी मोहित डी प्रदीप ए शांतनु ए प्रसाद ठीक है ठीक है ए बी डी ऐसे आप लोग का मिक्स आंसर है देख लेते ना कैसे तो सेक इनवर्स का फॉर्मूला क्या था यहाँ पर हम लोग क्या लेते थे वन अपॉन एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या था वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क् माइनस वन ये होता था याद है बट एक्स के बदले एक्स क्यूब है बच्चे करते ये जो फॉर्मूले में एक्स होता है उसकी जगह एक्स क्यूब है तो ये एक्स क्यूब ले लो ठीक है फिर रूट फिर एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स की जगह पे एक्स क्यूब एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स रेस टू सिक्स फिर माइनस वन समझ में आया देखो किधर है वन अपॉन है क्या किधर चेक करो एक मिनट आगेन डेरिवेटिव ही लेना पड़ेगा ना यहाँ पर कोई आंसर ही मैच नहीं हो रहा है देखो एक्स रेस टू फोर है और एक्स क्यूब है ही नहीं तो मैंने थोड़ा सा ना इनकम्प्लीट किया यहाँ पर ये यह जो एक्स है ना एक्स के बदले एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का अगेन डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा तो और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्सक्वायर समझ में आया अभी क्या होगा ये जो एक्स स्क्वायर से ये एक्स क्यूब कैंसिल कर देगा तो सिर्फ एक्स रह गया सो थ्री इंटू वन थ्री Upon x root x to 6 minus 1 अपॉन x रूट एक्स रेस टू सिक्स माइनस वन है क्या अभी चेक करो यस yes, देखो आप लोग ए बोल रहे थे क्या क्या बोल रहे थे ए बी सी डी क्या क्या बोल रहे थे अभी पकड़ो क्या है आंसर काय है sec कैसे आया cos है ना अरे बेटा फॉर्मूला बताया था ना लास्ट लेक्चर देखो ना बेटा लास्ट लेक्चर वन शॉर्ट लेक्चर में बताया ना मैंने फॉर्मूला कि cos इनवर्स 1 अपॉन थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स थीटा ऐसा होता है वन अपॉन हटाएंगे ना तो कॉस इनवर्स का सेकंड इनवर्स हो जाता है समझ में आया तो यहाँ पर देखो मैच हो रहा है ना बी आंसर इज राइट जिसने बी बोला वो सही है कॉन्ग्रेचुलेन आप सभी को जो भी बी बोले उनको कांग्रेच यहाँ पर अविनाश है शिवम है रोहन है चेतन डी बोल रहा है कैसे चेतन डी रॉन्ग है शुभांगी डी रॉन्ग है शिवम बी ओके okay? सुवर्णा बी ओके okay? अंश डी रॉन्ग है बेटा बी और डी में कंफ्यूजन है डी क्यों रॉन्ग है बेटा क्योंकि डी में यहाँ पर प्लस है ना और आंसर क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए ये देखो प्लस माइनस का फर्क है जो डी बोल रहे हैं उनको बता रहा हूं मैं ठीक है मंगेज बोलता है मैंने पहले ही बोला था डी है मंगेज बोलता है तो डी आंसर राइट है क्या यहाँ पर डी आंसर नहीं राइट है बी आंसर राइट है यहाँ पर माइनस आना चाहिए डी में प्लस है बेटा कैसे पहले पहले आप गलत बोले थे बेटा तो जिसको भी बी आया वो राइट है कॉन्ग्रेचुलेन चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना फटाफट बता दो सर यस फटाफट बता देंगे बट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहता हैं अरे कैसे आ रहा है कैसे आ रहा है तो जिसने वन शॉट लेक्चर देखे हैं पूरे चैप्टर प्रिपेयर किया है उनको इजी जा रहा होगा बट जो अभी भी आधा अधूरा करके बैठा ना उनको लग रहा होगा अरे क्या चालू है ये सर क्या बता रहे हैं इस तरह से ठीक है चलो बहुत फास्ट कमेंट भी जा रहे हैं आप लोग के यहाँ पर चलो, चलो 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 आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखो अभी सेम वापस से इनवर्स वाला आया है बच्चों देखो इनवर्स तो ये इनवर्स में क्या है कोशिक इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स थोड़ा सा अभी देखो लेवल हो रहा है जो बच्चा था ना वो किधर गया बच्चा एक मिनट है बच्चो हम्म जो बच्चा था किधर गया जो बोल रहा था ना लेवल अभी थोड़ा थोड़ा लेवल आएगा आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ ना देखो पढ़ाने का तरीका होता है यार पहले ही आपको डोंगर लाके दे देंगे क्या हलू हलू घेऊ अपना घाटा वरना ठीक है चलो ये क्या लिख रहा है बेटा कृष्णा धूस धूस क्या लिख रहा है चल 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 बेटा अगला बोलो अभी नेक्स्ट आ गया पीछे वाला गया अभी बोलो क्या आ रहा है फटाफट फटाफट एकलव्य बैच कब खत्म होगा अरे सी जिस दिन होगी उस दिन तक एकलव्य बैच रहेगा फिर अगले साल के बच्चों के लिए भी एकलव्य रहेगा हर साल रहेगा अभी एकलव्य बैच चलो फटाफट यहाँ पर बी बोल रहे हैं बच्चे वेरी अमेजिंग बोल रहे हैं ओके वेरी नाइस सब कुछ ईजी है निकिल अगर आपको फॉर्मूले इनवर्स निकालने की कोई ट्रिक नहीं है क्या ट्रिक क्या है उसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बेटा सब फॉर्मूले के बेसिस पर है यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूले चलो चलो फटाफट आंसर बोलो यार यहाँ पर वापस से बी 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 चालू है कसारा घाट राजेंद्र हो, हो, हो पुढ़ जाइए पूरे जाओ यार पोलादपुर सा घाट कसारा घाट चलो यहाँ प्रियंका बी बोल रही है अंकुश बी बोल रहे हैं अंकिता बी ओके और जय मिस्त्री बी नांदेड़ से टी एच डी बोल रहे हैं तो बी और डी वापस से ए और सी है ही नहीं सर साई नाम है मेरा ओके शॉर्ट कॉमिक बोल रहा है ठीक है साई आंसर दे पटाफ बी और डी बोल रहे हैं बच्चे तो क्या बी और डी आंसर है देखते हैं मतलब आप लोग के कमेंट के ऊपर अभी उसको चेक कर लेते हैं कि कौन सा आंसर है ठीक है फटाफट -फड़ करेंगे बहुत से बच्चे वेट कर रहे हैं इसका देखो फिर से कोसेक इनवर्स है तो बेसिकली आपको क्या करना चाहिए पता है कि जैसे कोसेक इनवर्स है ना तो अभी कोसेक इनवर्स का फॉर्मूला याद रखने से अच्छा आप कोसेक को साइन कर सकते हैं ना साइन इनवर्स ओके साइन इनवर्स कर दिया तो ये उल्टा हो जाएगा ना पता है ना कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स किया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा वन अपॉन तो टू एक्स नीचे था ऊपर चला गया और वन प्लस एक्स स्क्चे आ गया ओके ऐसा करने से क्या हो गया कि थोड़ा सा सिंपल हो गया अपने लिए अब इसको अगर मुझे डिफरेंशियट करना है तो डिफरेंशियट करने के पहले थोड़ा सा सिंपल करना पड़ेगा देखो सब्सटीट्यूशन मेथड आपने सीखा था इनवर्स फंक्शन के लिए बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन लेकर आओ ये ट्रिक मैंने आपको बताया था इनवर्स में साइन इनवर्स बाहर है अंदर साइन थीटा आ गया तो साइन इनवर्स और साइन जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके इसका जो आंसर सिर्फ थीटा आ जाएगा

यहाँ पर x की जगह पर tan थीटा रख देता हूँ मैं इफ़ x इज इक्वल टू टेन थीटा इसका फार्मूला इसलिए मैं रख रहा हूँ ये हो जाएगा टू टाइम्स टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा याद करो ओके okay? और बाहर साइन इनवर्स है बाहर साइन इनवर्स है तो मुझे अंदर लाना है और मुझे मालूम है कि ये साइन टू थीटा का फार्मूला होता है ये है ना साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है सो आई विल रिप्लेस इट बाई साइन टू थीटा समझ में आ रहा है साइन टू टीटा के दो फॉर्मुले होते हैं ना एक होता है टू थीटा थीटा और एक टेन के टर्म में ये होता है ट्रिगो का बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए साइंस वाले बच्चों को नहीं तो डेरिवेटिव बहुत जाएगा अब देखो बाहर इनवर्स है है अंदर है, आउट हो गया टू थीटा आ गया लेकिन अभी डेरिवेटिव ले सकते हो क्या इस तरह से डेरिवेटिव नहीं थीटा है ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है सो कन्वर्ट थीटा थीटा को कन्वर्ट कैसे करोगे टू थीटा यहाँ से लाओ ना थीटा कैसे आएगा टेन इस तरफ आया तो टेन इनवर्स एक्स सो टेन इनवर्स एक्स समझ में आए सो so, क्या आ गया टू इंटू टेन इनवर्स एक्स क्या होता है इसका डेरीवेटिव अपॉइन वन प्लस एक्स ये कहाँ पर है देख लो टू इन टू वन ऊपर टू आया देख लो ऊपर टू तो सब जगह है देखो ये भी है बट इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स है 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 क्या हमारा x आया नहीं ये है, देखो यहाँ टू के साथ एक्स नहीं है, और ये बी आंसर राइट है तो डी इसलिए राइट right लग रहा था और यहाँ पर कंपोजिट नहीं है ना यहाँ पर एक्स की जगह पर सिर्फ एक्स है दूसरा कुछ है क्या एक्स स्क्वायर है क्या नहीं तो वापस उसका डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे हो गया आंसर कसो हट कसो हट यस यस अनिकेत रणगीरी राइट हाँ बेटा चलो आंसर दो हाइड कर देंगे यहां पर लेक्चर के अलावा कुछ भी बात करेंगे तो आपको हाइड कर देंगे चैनल से ही हाइड हो जाओगे कुछ भी नहीं दिखेगा ओके विपुल ओपी विपुल ओपी अभी मत डालना कुछ भी ज्यादा हो रहा है तुम्हारा अगर इसने अभी मैसेज डाला तो उसको हाइड कर दो हाँ एक बार रिपीट करो ओके okay, क्या रिपीट करूं बेटा देखो बेटा अभी और भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सिमिलर तो उसमें समझ जाओगे थोड़ा सा रिपीट करते है। जो है ना उसको मैंने थीटा से रिप्लेस कर दिया जिसकी वजह से क्या हो गया कि अंदर एक साइन टू टीटा का ये फॉर्मूला बन गया ये और साइन टू टीटा होने के बाद साइन और साइन इनवर्स कैंसिल टू टीटा में टीटा को यहां से निकाला निकला थीटा क्या होगा टेन इनवर्स एक्स एक्स टैन टीटा तो टेनवर्स एक्स वो रखा और उसका डेरिवेटिव कर दिया यानी कि पहले डेरिवेटिव नहीं लेना है पहले सिंप्लीफाई करना है थीट सब्सिट्यून करके बाद में डेरिवेटिव लेना है समझ में आ रहा है चलो आगे करते हैं। तो आंसर बी राइट है ओके चलो फिर से देखो फिर से सेम ट्रिक है जिसको नहीं समझा था ना पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन समझेगा ध्यान से देखो मजेदार है देखो धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते जा रहे हैं अभी इनवर्स फंक्शन है हर एक टाइप पहले सिखा दूंगा हर एक टाइप के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन सिखाऊंगा फिर हाइयर लेवल क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ताकि जो मेरे बेचारे एवरेज बच्चे हैं ना या थोड़ा सा वीक बच्चे हैं ना उनको भी लगे कि यार मैं कर सकता हूँ ओके आई कैन डू इट है ना मुझे डीमोटिवेट नहीं करना सबको मोटिवेट करना है सबका टाइम आएगा आपका भी टाइम आएगा लेकिन ये करके दिखाना है आपको अभी साइन इनवर्स है जैसे अभी पिछला जो था क्या था वो भी साइन इनवर्स था बट यहां पर कुछ अलग फॉर्मूला था अब यहां पर कुछ अलग है सब्सिट्यूशन से ही करना है तो क्या करेंगे वहां पे तो अच्छा था साइन टू थीटा का फॉर्मूला बन गया था तो ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या हाँ ये बन रहा है कौन सा फॉर्मूला बन रहा है ये थीटा का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ वाई को पहले साइन इनवर्स कर लेता हूँ कुछ आंसर आप बता रहे हो तो बता दो फटाफट बता दो ये एडवांस का क्वेश्चन अरे क्या बोल रहे बेटा पहले मेन्स तो क्लियर कर धीरू ए बोल रहे से ए। ए। ए वर्सेस बी अच्छा, चालू है आप लोग भी चैट देख ही रहे हैं। मैं ज्वाइन नहीं हो रहा हूं ओके? ओके यहाँ पर वी कैन डू इट वी कैन डू आई हे फोर अकाउंट अच्छी बात है ए बी ओके ए बी में से देखते क्या आएगा ए बी ए और बी बच्चे बोल रहे हैं क्योंकि देखते हैं क्या, आएगा. So, मैं क्या कर रहा हूँ और लास्ट में क्या करना पड़ेगा जो थीटा होगा ना ये टेन इस तरफ आ गया था टेन इनवर्स एक्स लास्ट में हर बार ठीटा की जगह पर रिप्लेस करना याद रखना उसके बाद ही डेरीवेटी लेना पहले मत डेरी वेटी लेने जाना तो वन माइनस जहां पर भी ये एक्स है ना एक्स की जगह टेन कर दो Okay, तो ये हो गया टेन स्क्र थीटा रफ में करना ये फटफट करना है वन प्लस टेन थीटा ओके okay? सो so, क्या हो गया ये क्या हो जाएगा? <coughs> किसका है? टू थीटा का है। समझ बट बाहर साइन इनवर्स है अंदर कॉस है इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो मजा था बाहर साइन इनवर्स था अंदर भी साइन था कैंसल आउट हो गया अभी तो थोड़ा तो सा अलग है क्या करे क्या करे डरते क्यों बाहर साइन इनवर्स है अंदर साइन लेके आओ बट अंदर तो कॉस है अरे तो कुछ तो करो क्या चेंज करो कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं ना ये वाला रूल याद है क्या ये वाला है ना ये नाइन्टी ओके okay. कभी भी क्या करने का नाइन्टी माइनस थीटा साइन को कॉस करने के लिए नाइन्टी माइनस थीटा करने का टेन को कॉट कर सकते हैं सेक को, को सेक कर सकते हैं okay, ओके समझ में आ रहा है तो इससे क्या होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव होते हैं ना ऑल ऑल पॉजिटिव तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो यहां पर क्या करते वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस को क्या करो साइन कर दो और इसको क्या करो नाइनटी माइनस मतलब अब क्या करेंगे कर तो दूसरे कर को हटा देते कैंसिल करके दिखाने का नहीं ये रफ वर्क कर रहे हैं हम लोग समझने के लिए बता रहा हूँ माइनस टू थीटा क्या था theta की वैल्यू रख दो इधर थीटा देखो इधर से इनवर्स यूनिवर्स एक्स्ट्रा सब्सटीट्यूशन से आया था है ना? ये टैन है अभी इसका डेरिवेटिव लोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट है अच्छा बहुत से बच्चों को पता नहीं चलता कि इसका डेरिवेटिव जीरो क्यों आ रहा है या कैसे ले रहे हैं देखो जिसमें भी अगर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अगर आप करते विध रेस्पेक्ट एक्स तो अगर क्वेश्चन के अंदर जहां भी एक्स है ना उसको ही फॉर्मूला अप्लाई करना जिसमें एक्स नहीं होता ना वो कॉन्स्टेंट होता है बेटा उसका डेरिवेटिव जीरो याद है ना सिखाया था कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव जीरो तो ये पाई बाई टू में एक्स है क्या नहीं तो उसका डेरिवेटिव क्या आ गया जीरो माइनस टू टू टेन इनवर्स के साथ है तो टू मल्टीप्लाई इसलिए जिसका डेरिवेटिव जीरो मत कर देना ये इसके साथ है इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है डेस वन वन एक्सक्वा जीरो को हटा दिया तो माइनस टू इन टू वन माइनस टू माइनस टू कहां पर है देखो ए में और अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर आना चाहिए दिख रहा है ना सो माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्सक्वायर ए एक वॉज राइट जिसने भी ए बोला था सही है बच्चों यहाँ पर तेजस भी है ओके हेत भी है सार्थक है सभी लोग ए बोल रहे दीपाली बोल रही है हर्ष बोल रहे हर्षल ओम ओके प्रतीक सपना क्या बोल रही है टेन्थ के लिए लेना है अच्छा ठीक है मैं टेंथ के लिए भी स्टार्ट करता हूँ बेटा ठीक है मैं बोल रहा हूँ आपको टेंथ के लिए स्टार्ट करता साहिल शेख क्या करोगे बेटा आप मेरे पिछले लेक्चर देखो आपको पता चलेगा साहिल शेख आप जो पूछ रहे हो विकास बोलते हलवा है ओके वेरी नाइस चलो कुछ नहीं गाजर का हलवा है बेटा टेंशन मत लो सर जो एम का पेपर नहीं देगा क्या वो मैथ्स के वीडियो देख सकता है जस्ट फॉर ट्वेल्थ प्रिपरेशन हाँ देख सकते हो ना यहाँ पर देखो हमारी तरफ से आपको कोई भी बंधन नहीं है कि आपको यही करना है वही करना है मैच देखना है नहीं देखना है फटाफट अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहो आपको कोई भी किसी भी तरीके का आपको मैं ये बोलना चाहूंगा किसी को हमारी तरफ से रेस्ट्रिक्शन नहीं है आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो नहीं भी दे सकते हो लेक्चर्स देख सकते हो नहीं भी देख सकते हो क्योंकि यहाँ पर आप तो कोई पैसा भर नहीं रहे हो आपके ऊपर है हाँ जब किसी चीज़ का हम पंद्रह बीस हज़ार पच्चीस हज़ार रुपया भरते हैं तो हम उसको देखते हैं पैसा वसूल करने के लिए लेकिन आपकी खुद की

बहुत अच्छे लाइक बच्चे ज़्यादा है और लाइक अभी तक पाँच सौ बारह है अरे बेटा आप सब लोग लाइक कर दो ना क्या कर रहे हो सेशन अच्छा नहीं लग रहा है क्या पसंद नहीं आ रहा है क्या और चैट में देखोगे तो मैंने लिंक दिया है सभी चीज़ों का वेबसाइट का लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है ओके सारे लिंक है वो वे... उस पर जाके आप कर सकते हो ठीक है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ वेबसाइट का नाम बता दो अरे लिंक है ना चैट जहाँ तुम डाल रहे हो ऊपर देखो टैग पिन किया हुआ है एक बैच डॉट कॉम करके डब्ल्यू 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 डॉट एक बैच डॉट कॉम चलो फटाफट फड़ इसका आंसर बताएंगे आप लोग क्या आंसर आएगा फटाफट फड़ बता दो कैसे करोगे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर अभी आंसर हम देखेंगे रिटर्न सांगा का सांगू तृप्ति माने का सांगू सांग मार्क्स आंसर ठीक है तो रिपीट करूँ नंतर बग आता पुढ़ा बगूया ओके शिवम बी कांचन ए ए और समझ में नहीं आया सर अथर्वा पिछला नहीं समझ में आया ठीक है रिपीट करके देख लेना बेटा चौधरी बोलते हैं ए बट सुवर्णा चौधरी इतनी बार ए क्यों बोल रहे हो ओके सपना चौ सपना चौहान मैंने आपकी बात सुन ली मैं लेने वाला हूँ ठीक है ठीक है बेटा बार बार मत डालो साहिल बी बोल रहे गेमर बी ओके पार्थ ए प्रदीप बी दीपाली बी आबा साहेब ए शिवम बी तुषार बी श्वेतांग बी अच्छा ए और बी में कंफ्यूजन है ठीक है यहाँ पर आबा साहेब ए डी मला वाटते टी एच नंदेड़ अच्छा टी एच नांदेड़ को दी बोले साहिल शेख बोलते आठ बजे रिजल्ट आने वाला अरे रिजल्ट आके पढ़ा रहेगा किधर जाएगा नहीं ये मेरा लेक्चर भी खत्म होगा अभी टेंशन मतलब थोड़ी देर में लेक्चर खत्म कर रहा हूँ बेटा दो तीन क्वेश्चन और लेते हैं आठ बजे आज फिजिक्स का रिजल्ट आएगा आप लोगों को तो टेंशन मतलब अभी आ जाएगा वो पढ़ा रहेगा रिजल्ट जाएगा नहीं और मैं खुद अभी शेयर भी करूंगा चलो इसको करते फटाफट अभी आप लोगों ने ए और बी सबने बोला है मतलब ये सी और डी नहीं है ओके इसका मतलब तो चलो देख लेते फटाफट सेक इनवर्स तो आप क्या करोगे सेक इनवर्स को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस इनवर्स सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स कर दो वन अपॉन हट जाएगा क्यों किया सेक को कॉस वन अपॉन हटाने के लिए ओके अब क्या करेंगे बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस आना चाहिए

टू so, थीटा क्या आएगा ये कॉस इस तरफ गया तो कॉस इनवर्स एक्स समझ गए तो अब क्या होगा टू टू देखो साइन का क्या होता है one upon under root one minus x square होता है बट कॉस होगा तो क्या होता है माइनस वन होता है कॉस इनवर्स तो टू इन टू माइनस वन यानी माइनस टू ऊपर तो ये माइनस टू यहां पर है यहां है क्या नहीं तो सी नहीं है डी में टू नीचे ए में टू नीचे है तो ये ए भी नहीं है अभी बी और डी में देखते हैं ऊपर है और तो बट यहाँ पर, तो पर अगर एक्स की वैल्यू प्लस या माइनस वन रखा तो ये रूट में वन माइनस प्लस वन या माइनस वन होगा तो वन स्क्वायर वन हो जाएगा और रूट में हो one upon, one upon. जीरो हो जाएगा ऊपर वन अपान है माइनस वन अपन वन अपन या डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो इसकी वैल्यू इन्फानाइट हो जाएगी इसलिए एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन नहीं होनी चाहिए इसलिए दिया है कंडीशन तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है बी आंसर राइट है तो बी इज राइट जिसने भी बी बोला सही है सही है बच्चों वेरी नाइस शीरीष बोला है प्रीतेश ओके okay. सतीश शॉर्ट कॉमिक यानी साई ओके okay. लोकेश हेमंत ने डी बोला रॉन्ग है बेटा ओंकार वॉज राइट ओके okay. सृष्टि बी ओके okay. अंकिता बी गौरी जूलियस ए बोल रहे हो ए गलत है बेटा टू ऊपर नहीं ऊपर आना चाहिए नीचे आया सृष्टि जूलियस ओके चलो चलो और क्या कुछ अलग नाम मेरा करेक्ट है श्रद्धा बोल रही है चलो वेरी नाएशा, वेरी नाइस नाइस सब को बहुत बहुत फिर लो अपनी और कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर अभी तक मैं इनवर्स के क्वेश्चन ले रहा था अब थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन लेते हैं जैसे कि मैंने बोला कि मैं वैरायटी दे रहा हूं आपको तो कंपोजिट फंक्शंस के क्वेश्चन देखे हमने और कंपोजिट के बाद इनवर्स देखा अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लॉगरितिशन के क्वेश्चन ले रहे हैं तो बच्चों बने रहो दो तीन क्वेश्चन और कराऊंगा तीन तीन चार क्वेश्चन क्वेश्चन ओके अभी थोड़े से दो और कर लो यार जाओ मत छोड़ के सेशन दो तीन क्वेश्चन और इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट सेशन इसके आगे कंटिन्यू होगा ना इसके आगे के जो टाइप बोलूंगा हाइयर लेवल लूंगा तो फिर आपका कंटिन्यूटी बने रहना चाहिए थोड़ा देर और देखो ई रेस्ट टू एक्स आइनेक्स चलो फटाफट -फटा इसका डेरिवेटिव बताओ रेस्ट टू एक्स आइएक्स क्या आएगा ए बी सी डी अभी यहां पर देखोगे तो ये सब में सेम आ रहा है e raised to X, sin X, सब में सेम है इससे पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन वो पहले आ रहा है फिर कुछ तो आ रहा है इसका मतलब ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है समझ में आ रहा है वाई इज इक्वल टूर साइन एक्स इस तरह से है सो कैसे करोगे क्या आंसर आपका आ रहा है फटाफट बता दो दिखाई नहीं दे रहा है शुभम दिखाई तो दे रहा है बेटा विपुल अभी भी है क्या विपुल ओपी को वापस से करो रिपोर्ट स्पैम करके हाइट फ्रॉम चैनल कर दो इफ यू डू नॉट रेस्पेक्ट मी एंड चैनल देन वी डू नॉट रेस्पेक्ट यू चलो ठीक है ठीक है ए और बी फिर से ए और बी में कंफ्यूजन। मैक्सिमम बच्चे ए बोल रहे हैं सर मैं प्रिंस हूं ओके देवी का ओके ओके ठीक है कोई बात नहीं

इधर भी लॉग लोगे तो लॉग ऑफ e और ये पावर है ना दोनों साइड का लॉग लिया लॉग वाई इसका लॉग तो ये जो पावर है लॉग क्या करेगा इस पावर को खींच लेगा आगे ये आ गया एक्स साइन समझ तो में आ, फिर ये जो लॉग e है वो वन होता है तो वो हट गया लॉग ई वन वन इंटू ये वही हो गया फिर डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो ये लॉग y का वन अपॉन वाई और x के बदले y है तो y का अगेन डेरिवेटिव याद होगा ना डीवाई बाई डी एक्स फिर ये x इंटू साइन एक्स है तो क्या करोगे यू इंटू वी रूल तो x sin x का डेरिवेटिव cos x plus sin x x का डेरिवेटिव 1 u into v रूल अप्लाई किया तो ये आ गया x cos x plus sin x अब ये जो 1 y का y था वो यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड था हो गया अब y मतलब क्या था ये क्वेश्चन यानी कि देखो सबसे पहले y यानी ये क्वेश्चन सब में है वो खाली मेन ब्रैकेट देख लो x cos x sin x कहां पर है x cos x sin x यहां भी ये देखो ये बढ़िया माइनस है सो so, d इज नॉट राइट और ये एक्स है नहीं बी भी, भी नहीं है सी भी नहीं है सो ए राइट है आप लोगों ने राइट right बताया था वेरी नाइस ए इज राइट ओके बताया देख लेते यहां पर डी बता रहे मंदार डी नहीं है लॉग लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बेस में ई e है तो हाँ ऐसा भी कर सकते बेस ई e है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं okay? ओके चलो चलो चलो

एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स यानी डायरेक्ट भी आ गया तो ये जो मैंने बताया ये लॉगरिथमिक करके बताया इसको ये ई e होने की वजह से आप डायरेक्ट कर सकते हो ई e के बदले दूसरा कुछ नंबर वगैरह होता तो फिर समझ रहे हो ना उसको सिंपल बनाने के लिए करना पड़ेगा कैसे भी करो आंसर लाना ए राइट है चलो वेरी नाइस है आप लोग अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर रहे हो डायरेक्ट मेथड मतलब भी कर रहे हो समीर बोलता है मैथ बहुत हार्ड लगता है तो प्रैक्टिस करोगे ना तो इजी लगेगा बेटा चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं खत्म करना है फटाफट और एक या दो क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग ओके okay. मैं स्कूल में हूं और अभी से ही डिफ्रेंशिएशन सीख रहा हूं आपसे थैंक यू सर देविका अच्छा अरे वेरी नाइस हाँ बहुत अच्छा लग रहा है यार बहुत अच्छा कभी भी कुछ भी सीख सकते हो जहां ज्ञान बट रहा है घुस जाओ ज्ञान ले लो जरूरी नहीं कि सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ाई करें चलो और एक या दो क्वेश्चन और लेते ठीक है चलो फटाफट पड़। एक्स रेस टू एक्स है बताओ क्या आएगा देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स है तो लॉग लेते हैं ना आप लोग लॉग वाई इज इक्वल टू इसको लॉग लोगे तो लॉग एक्स और ये एक्स पावर का इधर आगे आ जाएगा ये जो पावर में था ये बस हो गया फटाफट कर दो इसका क्या करोगे वन अपॉन वाई और डीवाई बाई डी एक्स आता है इधर वन अपॉन वाई वाई इस तरफ आ गया तो हो गया वाई यानी क्वेश्चन रहता है इसका यू इंटू वी रूल कर दो एक्स इंटू लॉग एक्स क्या होगा वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरीवेटिफ एक्स वन है ना यू इंटू वी रूल एक्स डेरीवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स ये कैंसिल हो गया तो आ गया Y, y मतलब क्या था एक्स रेस टू एक्स तो वो आपको थोड़ा सा ट्रिकी है देखो वन प्लस वन माइनस लॉग एक्स है बट प्लस होना चाहिए तो ये डी भी नहीं होगा तो अब सी हो सकता है एक्स रेस टू एक्स लॉग एक्स सो ये वाई मतलब देखो एक्स रेस टू एक्स है समझो और फिर ये अंदर जो है वो तो ये एक्स रेस्ट टू लॉग एक्स हो सकता है क्या ये वन प्लस कहाँ गया ये सी भी नहीं है मतलब ये बी होगा एंसर राइट लेकिन बी कैसे आया बताता हूँ देखो ये जो वन है ना वन उसको हम लॉग ई कर देते हैं लॉग ई की वैल्यू वन होती है समझ में आ रहा है और प्लस लॉग एक्स समझ में आया तो ये हो गया एक्स रेस्ट टू एक्स इंटू लॉग ई प्लस लॉग एक्स दोनों का लॉग कॉमन लिया तो ये ई और एक्स प्लस का इंटू हो जाएगा ई इंटू एक्स हो जाएगा ये हो गया देखो आ गया ना बी आंसर राइट तो ऐसे भी होता है अगर नहीं आए तो ए सी डी नहीं है मतलब बी होगा बचपन में करते थे ना वैसे क्या बोलते हो सही ना अरे ट्वेल्थ बोर्ड के लिए चालू है 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 बेटा बेटा नया है क्या बेटा, हर मंडे को चार बजे होता है। के लिए वीडियो रिलीज होता है बेटा अभी एक मेरा वीडियो भी आने वाला है चैनल पर देखो हाँ ट्वेल्थ के लिए ऑलरेडी मैं टेस्ट ले रहा हूँ ओके वन शॉट लेक्चर आएंगे ना बेटा सब आएंगे अभी लास्ट क्वेश्चन कर लेते ओके सभी बच्चे ध्यान दो अभी लास्ट क्वेश्चन कर लेते चलो ये क्या है देखो अभी फटाफट फड़ करेंगे फटाफट फड़ करेंगे पिछले क्वेश्चन में क्या था एक मिनट एक्स रेस्ट टू एक्स था चलो यहां पर एक्स रेस्ट टू लॉग एक्स है कैसे करोगे फटाफट देख लो वाई का डेरिवेटिव निकालना है X square और फटाफट देख लो आज का भागोगत लास्ट क्वेश्चन भा, भागो में रुको बहुत से बच्चे एक घंटा देख नहीं पाते हैं अभी एक घंटा होने वाला है ज्यादा नहीं लूंगा लास्ट क्वेश्चन देखो इसका ये एक्स स्क्वायर का पहले डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा टू एक्स यहाँ पर सब में 2x है तो चलो पहला x2 का तो देखना ही नहीं है वो हो गया उसका डेरिवेटिव फिर ये जो x log x है इसका डेरिवेटिव मेन है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा वो यहाँ पर लेना पड़ेगा तो x रे टू log x है क्या किया जाए x रे टू log x इसको आप y समझ लो समझ गए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ये log y हो गया ओके फिर इस x का log लोगे log ऑफ x फिर इसके पावर में जो था वो पावर का एक आगे आ जाएगा ये log x x के पावर में log x था वो आगे आ गया थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्यों है। है? आ आ तो नहीं आएगा क्योंकि पावर नहीं है पूरे का पावर है अब डेरिवेटिव कर दो लॉग वाई का वन अपॉन वाई और डीवाई बाई डी एक्स डायरेक्ट करते थोड़ा ये जो वन अपॉन वाई है वाई यहां पर आ गया इंटू हो गया वाई तो मतलब क्या क्वेश्चन यहाँ पर वाई मैंने किसको लिया इसको लिया है यहाँ वाई नहीं लेना चाहिए था ऑलरेडी वाई था समझो मैं एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो ये क्या हो गया देखो लॉग एक्स द होल स्क् ये तो वन अपॉन वाई का वाई यहाँ पर आ गया यहाँ जो वन अपॉन वाई था यहाँ सेक्स द होल क्या होगा? एक्स एन टाइप करो तो ये टू आगे आ गया टू इन टू लॉग एक्स टू में से बन गया वन फिर लॉग एक्स का डिवेटिव एक्स यानी एक्चुअल में क्या आ गया जो वाई क्वेश्चन है वाई क्वेश्चन क्या वो भी ले लेते ना क्या था क्वेश्चन एक्स रेस टू लॉग एक्स फिर टू Log x और अपॉन एक्स देखो कहां पर है टू अपॉन एक्स यहाँ दिख रहा है देखो ये टू अपॉन एक्स कहाँ पर है है पर तो और पर भी कुछ दिया है हाँ ये ये भी होना चाहिए ना एक्स रेस्ट एक्स लॉग एक्स यहाँ पर है ही नहीं तो ये भी नहीं होगा मतलब ए राइट right हो सकता है एक बार फिर से मैच स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स समझ रहे हो और फिर एक्स स्क्वायर का डिटी तो टू एक्स फिर यहाँ पर प्लस यहां पर देखो ये इसको अगर सिस्टमैटिक करोगे ना टू अपन एक्स पहले आ गया फिर ये लॉग एक्स आ गया सिस्टमैटिक करोगे तो आ गया फिर एक्स रेस टू लॉग एक्स देखो यही आंसर आया समझ में आ रहा है ए राइट है क्या बोलते हैं चलो सबने ये बोला नाम लेता सुवर्णा चौधरी ए एजा श्रद्धा बिरादर ओके बहुत से बच्चे बी भी बोल रहे हैं बी नहीं है बेटा ओके ओवैस खान ए ए ए चलो वेरी नाइस मी नवीन साई देशमुख ओके नवीन देशमुखीन तुझे स्वागत है साई ओके चैनल वर चलो बहुत अच्छे एंड कॉन्ग्रेचुले पर मैंने अभी अप्रोक्स क्वेश्चन लिए हैं लगभग आज और तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ यहाँ पर सो बच्चों यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको बोलना चाहूंगा ध्यान से सुन लो दो मिनट सुन लो जाओ मत लेक्चर फिनिश कर रहे हैं चैट <coughs> में आपको एक पिन किया हुआ मैसेज दिख रहा है जहां पर हमने एकलव्य बैच की वेबसाइट लॉन्च की है उस वेबसाइट पर आपको रेगुलर जो है लेक्चर्स मिलेंगे डेली लेक्चर्स मिलेंगे ओके उसका टाइम टेबल भी है मैं आता हूं मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे शाम को सात बजे लाइव लेक्चर्स के साथ एम प्रैक्टिस होगी तो अगर वन शॉट लेक्चर देना है तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको देता हूँ अदर डेज में फिजिक्स के सर आते हैं और मेरे साथ केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले सर रहते हैं अनूप सर वेबसाइट पर आपको टाइम टेबल मिलेगा टेस्ट सीरीज का जो डब्ल्यू वेबसाइट है चैट में पिन किया हुआ है उस वेबसाइट पर एक एक दिन छोड़ के रोज टेस्ट होता है जैसे परसों लॉजिक का टेस्ट था मैथ्स का आज फिजिक्स का टेस्ट था फिर कल छोड़ के परसों और एक टेस्ट होगा केमिस्ट्री का सुबह सात से सात बजे तक लिंक एक्टिवेट रहती है

इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होने वाली है आपकी भावनाओं को समझ के हम सब काम कर रहे हैं आपसे किसी ने कोई पैसे भी नहीं मांगे हैं फ्री है जब तक एम एस एग्जाम नहीं होती तब तक हम आपके साथ रहने वाले हैं तो लेक्चर्स में बने रहो और अपने दोस्तों में फैलाओ ओके okay, सारे दोस्तों में मैंने मैसेज ऑलरेडी भेजा हुआ है जो चैट वाला मैसेज टेलीग्राम ग्रुप में आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके सारे दोस्तों को बताओ ये चीज ताकि सभी का फायदा हो ऐसे बच्चे जो नहीं कर पा रहे हैं जिनके पास सुविधा नहीं है समझ में आ रहा है कैपेसिटी नहीं है वो बच्चे भी

वेबसाइट पर पहले डब्ल्यू लगाओ तो आपको वेबसाइट मिलेगी प्लस माइनस के पर वीडियो बनाओ मनीष बोलते हैं ठीक है बेटा सर तुमसे पूर्ण वीडियो पहले आता रिविजन वन शॉट लेक्चर टाकतो हे एमसीक्यू जी सीरीज है टेंशन घे नको बाकी सब्जेक्ट पे प्रिपेयर कर ओके बेटा चलो थैंक यू अलेक्स ओके मी नवीन नागेश वेलकम बेटा हाँ मिसलेनियस एक्सरसाइज यादव अभिषेक अरे बेटा मैंने लॉजिक का कराया देखो अभी सब लेके आऊंगा थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा ना अभी मेट्राइसिस का चालू होगा फिर ये जैसे जैसे मैं एकलवे बैच में कर रहा हूँ ना यही चैप्टर ना वो मिसलेनियस में भी आएंगे आप टेंशन क्यों ले रहे हो मैं लेकर आ रहा हूँ मैं ठीक है लिंक ओपन नहीं हो रही है वेबसाइट की तो डब्ल्यू डब्ल्यू डालो पहले ओपन हो जाएगी ओके अभी नेक्स्ट एग्जाम हमने जो अगले मंडे रखी है उसकी डिटेल्स जो टेलीग्राम में डाली है आप देख लो लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर की एग्जाम है ट्वेल्थ वाले बच्चों की ट्वेल्थ बोर्ड्स की जो हर मंडे चार बजे होता है तो वो भी आप मंडे को दे दो अगले मंडे और ये एम की प्रैक्टिस तो हो ही रही है अभी तक आप मेरे साथ बने हो चलो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों में ज़्यादा ज्यादा शेयर जरूर करो चलो इस लाइव को यहीं फिनिश करते हैं मिलते हैं अगले नेक्स्टर में बाय एवरी